तो जो मैं आज बात करने जा रहा हूँ वो है किसके बारे में? क्रिकेट के बारे में, क्योंकि टीवीएस क्रिकेट में सबसे खेलने मार दिया डबल 100। श्रीलंका ने पहले बैटिंग कर 300 प्लस का टारगेट दिया, जो पाकिस्तान को टारगेट नहीं दिया, लीड दी जो पाकिस्तान को चेस करने थे। पाकिस्तान की हालत ख़राब हो चुकी थी, पहले शुरू में 5 आउट हो गए, उसके बाद सऊद शकील और अपने आगा सलमान की पार्टनरशिप चली, फिर तीसरे दिन आया आजाद, सऊद शकील ने 300 मार दिए, मतलब 200, मतलब डबल सेंचुरी मार दी। मैं फंबल हो रहा हूँ क्योंकि इस तरह की इनिंग मैंने बहुत ही कम देखी अपनी लाइफ में। एक बाबर आजम के अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया इन पाकिस्तान, दूसरी ये। और अभी बात करते हैं कि वर्ल्ड कप 2023 ओडीआई में भी लास्ट वर्ल्ड कप हिस्ट्री का नहीं, हमने भी करा यार, हमने बक्सोदी रख दिया, देख ट्रस्ट ऑन दैट फिक्चर्स में। श्योर और पाकिस्तान को हमने ऑस्ट्रेलिया चिन्ना स्वामी में दे दिया, इंडिया को हम अहमदाबाद में खिला रहे हैं, वेयर गिल विल स्टार्ट फायर। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन इंडियन ऑस्ट्रेलिया आई एम सीइंग राइट। पाकिस्तान का वेन्यू अहमदाबाद, कलकत्ता, चिन्ना स्वामी, ये मतलब ऐसे इस तरह से रखा गया है कि मतलब मैंने एक इंडियन पॉडकास्ट देखी कि कीड़ा किसको होता है, पाकिस्तान को होता है, ये किसको, यार कीड़ा सबसे बड़ा तो इंडियन बोर्ड को है, पैसे का घमंड सबसे बड़ा तो इंडियन बोर्ड को है, हमें नहीं है। किसी ने कहा कीड़ा, ये भाई कीड़ा काय का है, तुम लोग एशिया कप में किसने आने से मना किया? इंडिया ने। अभी वर्ल्ड कप में अपने वेन्यूज़ खुद चूज़ करते हैं, कौन करता है? इंडिया वाले करते हैं। रोता कौन है? इंडिया वाले रोते हैं कि हमारा हमेशा, रोहित शर्मा का क्या कहना था, हमेशा फाइनल जो इंग्लैंड में क्यों होता है वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप का, इंडिया में हो ना। तो अभी तुम यार, तुम लोग होम पर टेस्ट जीत कर तुम गए थे, उसके बाद ही तुम फाइनल तक पहुँचे थे, वरना तुम्हारा कोई चांस नहीं था फाइनल तक पहुँचने का। और वर्ल्ड कप 2022 में तुम फाइनल सेमीफाइनल तक नहीं पहुंचे। निकाल दिए हैं आफ्टर सो मच रेजिस्टेंस फ्रॉम पाकिस्तान। ऑब्वियसली कौन किसके अंदर कीड़ा है पाकिस्तान? रोता कौन है? कौन रोता है? हम तो नहीं रोते भाई, हम तो आएंगे। मुझे पता है 2023 के ओडीआई वर्ल्ड कप जो मे बी लास्ट वर्ल्ड कप होगा ओडीआई का, ऐसा सबका कहना है, तो ये होना है भाई, हम आएंगे, मुझे पता है ये ऐसे करते हैं। लेकिन जो तुम लोग डरते हो वो आंखों में दिखता है। ये बाबर आजम की टीम जो नसीम शाह, शाहीन शाह, रिजवान, जो हमारा इमाद वसीम, डर दिख रहा है डर तुमको। तुमने वेन्यूज़ इस तरह के चूज़ किए हैं अपने मैचेस के लिए, यार अजीब बात है तुम लोगों की। और शेड्यूल में बात करें तो पाकिस्तान का पहला मैच इंग्लैंड के साथ होगा, मैं भी उसके बाद कुछ भी हो वो पता जाए। एशिया कप का बोल रहे हैं होगा भी नहीं होगा, लेकिन ये टेस्ट बड़ा ही शानदार हुआ, यंगस्टर को चांस मिला है और यंगस्टर ने प्रूव करके दिखाया कि दे आर बेस्ट। और ये फिल्टर मैंने फ़िल्टर लगा दिया है जानबूझकर, क्योंकि मैं टीबीएस में हमेशा फ़िल्टर यूज़ करता हूँ। ये टेस्ट चल रहा है, एशेज चल रहा है, इंग्लैंड ने एक मैच जीता हुआ है, दो मैच जीते हुए हैं ऑस्ट्रेलिया ने, इंग्लैंड ने एक मैच जीता हुआ है, दो मैच जीते हुए ऑस्ट्रेलिया ने, देखते हैं क्या होता है, मज़ा आएगा ओडीआई वर्ल्ड कप में।